कौन देकर गया है माँ? कोई लड़का आया था। किसका लेटर है बेटा? माँ वो मेरे एक पुराने दोस्त का लेटर है। माँ तुम चाय बनाओ ना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तुम मुझसे क्या छुपा रहा है निरंजन? निरंजन, हमारी मुश्किलें कब दूर होंगी? हम पूरी तरह से एक कब हो पाएंगे? ओह गॉड, बिना किसी के डर, बिना कोई रोक टोक, इतना बता दो निरंजन। ओह ओह गॉड, तुम्हारी माया। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? दोबारा मिलाता हूं। पिकअप पिकअप। लगता है कि कोई आसपास होगा इसीलिए फोन नहीं उठा रही होगी। हम दोनों पूरी तरह से एक कब हो पाएंगे? बिना किसी के डर, बिना कोई रोक टोक, इतना बता दो निरंजन, तुम्हारी माया, तुम्हारी माया। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, जब निरंजन का और माया का कुछ है तो फिर जब मैंने निरंजन के फोन से माया को फोन किया था तब माया ने फोन क्यों नहीं उठाया था? जो भी बात है, एक बात साफ है, निरंजन मुझसे सफेद झूठ बोल रहा है। मुझे माया से बात करनी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं। हेलो हेलो माया जी, मैं माया बोल रही हूँ, निरंजन की माँ बोल रही हूँ। बेटा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी वो एक्चुअली मैं मना मत करना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की शादी खतरे में है, बस एक बार मिलना चाहती हूँ।
और कुछ नहीं। आंटी मेरे ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट है स्वदेश, कल मैं वहीं आपका वेट करूंगी। थैंक यू बेटा। गायत्री तू क्यों करने लगी? मैं कर लेती हूँ ना। चाची चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक होगा गायत्री? क्या होगा रीता का, उसके बच्चों का? मैं भी रीता के बारे में ही सोच रही हूँ चाची। निरंजन बहुत गलत कर रहा है चाची। क्या होगा रीता का जब जब उसे पता चलेगा सच के बारे में? गायत्री तुम मां अम्बे से प्रार्थना करना कि जब मैं कल माया से मिलकर लौटूं तो कुछ ऐसा हो जाए कि निरंजन और रीता की गृहस्थी टूटने से बच जाए। हाँ चाची मैं जरूर प्रार्थना करूंगी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निरंजन मैंने कहा था ना कभी यहां पर मत आना। अरे तुमने मुझे फोन पर ब्लॉक जो कर रखा है, बात कैसे करता तुमसे? हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे? अच्छा बात नहीं करनी है तो फिर मुझे लेटर भेज कर मिलने के लिए क्यों कहा? जान बूझ कर तड़पाना चाहती हो ना तुम मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एनीवेज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है जाओ, मगर शाम को मैं फिर से वापस आऊंगा, मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा। आज तो मैं यहां से हिलूंगा ही नहीं, देखता हूं कैसे बात नहीं करती है मुझसे। मां 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 कहां हो तुम? इतनी शाम को तो मां कहीं नहीं जाती है, किचन में भी नहीं थी, कहां गई होगी? गायत्री भाभी से पूछता हूं। हाँ हाँ चाची मैं आपके रूम में ही आ गई हूं। हाँ भाभी ढूंढती हूँ। एक मिनट चाची। हाँ हाँ चाची यहाँ पे नाम लिखा है स्वदेश रेस्टोरेंट। भाभी हाँ चाची ठीक है चाची। अरे भाभी हुआ क्या आपको? सुबह से मुझसे नाराज नाराज सी हैं और अभी भी मुझसे बिना बात किए जा रही हैं आप। मैं मां से बात करना चाह रहा था लेकिन आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। बात क्या है भाभी? भाभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप? मैं तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना, अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो जाती हो ना तो मुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, ना अपनी वाइफ की और ना ही अपनी माँ की। प्लीज मेरा साथ दो, चलो ना हम कहीं भाग चलते हैं। डिवोर्स दे दो तुम अपने पति को, मैं भी रीता को डिवोर्स दे दूंगा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे दोबारा से।